परम पूज्य वाइस प्रेसिडेंट महाराज को मैं भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करती हूँ। पूज्य अमल प्राणा माता जी, पूज्य सन्यासी वृंद तथा सन्यासिनी वृंद को मेरे सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित वक्ता माताओं और भाइयों को मेरे सादर नमस्कार। हम सभी धन्य हैं, बेलूर मठ की इस महान शक्तिपीठ पर हम एकत्रित हुए हैं श्री माँ को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए। इस स्थान पर उन्होंने पदार्पण किया था, यहाँ पर निवास किया था और यहीं पर होमागिनी में उनकी पवित्र देह समर्पित हुई थी। माँ के जगन मातृत्व की पूजा स्वयं श्री रामकृष्ण ने की थी और श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद दोनों ने ही हमें माँ के आविर्भाव का तात्पर्य बतलाया है। वैदिक युग से लेकर आधुनिक युग तक हमारे देश में महीयसी नारियां कहीं कहीं पैदा हुई है। गार्गी जैसी ब्रह्मवादिनी, मैत्रेयी जैसी तत्वज्ञान पिपासु, सीता माई जैसी पवित्रता और तितिक्षा की मूर्ति, कुंती और गांधारी जैसी धर्म की पुजारिणी, मीराबाई जैसी भक्त और इधर रानी लक्ष्मीबाई और अहल्याबाई जैसी वीर नारियां। पर हम निकटतम रूप में जिसको पाते हैं वे है सीधी सादी पर सर्वगुण संपन्ना हमारी माँ शारदा। देवी, ज्ञानदायिनी, गुरु, इष्ट, भक्त जननी, इनके जीवन के कई पहलू हैं। इनमें से एक है उनका मानवित्व या नारित्व। नारित्व के आदर्श की प्राचीन भावधारा के साथ वर्तमान के आदर्श का समन्वय तथा सामंजस्य हम इनके जीवन में देख पाते हैं। वैसे तो व्यक्ति का शारीरिक रूप में नारी या पुरुष होना उसके मनुष्य होने के संदर्भ में गौण है, फिर भी हम जब वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षा रखते हैं, जैसे मृदुता, धैर्य, सहिष्णुता, तेजस्विता और निर्भीकता के साथ प्रेम और पवित्रता, सहनशीलता, त्याग, लज्जा, सुशालीनता तथा क्षमाशीलता, हम अपेक्षा करते हैं कि आत्मसंयम तथा तपस्या के द्वारा उसने अपने अंतर्निहित दैवी शक्ति का विकास किया है जो उसके मातृत्व के माध्यम से प्रकाशित होती है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अनुकूल या प्रतिकूल, जीवन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम इन सद्गुणों का विकास कर सकते हैं। इस विकास की प्रक्रिया में जो अवरोध आते हैं उन पर विजय पाने के प्रयास को हम कहते हैं संग्राम। मन को एक उच्च स्थिति पर रखते हुए किस तरह हम मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास कर सके वह खुद माँ ने बताया अपने जीवन के माध्यम से। बचपन से ही हम उनका जीवन देखे तो वे माता पिता की लाडली दुलारी थी, पर आर्थिक अवस्था के कारण उनको कितना परिश्रम उठाना पड़ा था ना, उन्होंने तो कुछ शिकायत नहीं की, ना अपने को मजबूर या दुर्भाग्य समझा। उनके तो सहजात सद्गुणों का विकास हुआ। वे सभी की सेवा करती रही, सेवा परायणता, उत्तरदायित्व के बारे में सचेतनता, सभी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार और सहिष्णुता की जो झलक हमें छोटी शारदा में देखने को मिलती है उसकी पूर्ण व्याप्ति हम बाद में उसमें देखते हैं। जब वह दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण तथा उनके भक्तों की सेवा करती है, तब या तो बाद में गांव में अपने भाइयों के परिवारों का पालन करती है, तब या तो अगणित भक्त संतानों की देखभाल करती है तथा उनकी सेवा करती है, तब उम्र बढ़ने के साथ साथ और अधिक से अधिक विशाल क्षेत्रों में अपनी सेवाओं और शक्तियों को नियोजित करते हुए उन्हें मानव मन की जो दुर्बलता है उसको भी देखने को मिली थी, उन्हें भी देखने को मिली थी। जैसे स्वार्थ, कलह प्रियता, परनिंदा की वृत्ति, मानसिक असंतुलन,
मनुष्य की इंद्रियपरता तथा आसक्ति इन सभी दुर्बलताओं के प्रति माने असहिष्णु न होकर वे तो बनी क्षमारूपा तपस्विनी। मार्ग भूले हुए लोगों का वे आश्रय स्थान बनी और उन्हें सुपथ पर चालित किए। मां तो सन्यासिनी थी, फिर भी एक गृही के रूप में वे रही, जैसे कि बाबूराम महाराज बोला करते थे कि गृहस्थ को गार्हस्थ धर्म सिखाने के लिए मां ने कितने कष्ट उठाए। गृहस्थ के संसार में तो कितनी विपत्तियां, कितनी समस्याएं, कितने घात प्रतिघात आते रहते हैं। एक गृही के रूप में मां नानाविध पारिवारिक कर्तव्य और झंझटों को निपटाती रही। यहां पर उनकी सहजात अनासक्ति और अहंकार शून्यता हमारी विशेष दृष्टि आकर्षण करते हैं। वो जो सन्यासिनी थी, वैसे तो हर एक गृहस्थ को भी जीवन में अनासक्ति का अभ्यास करना ही है, और मां तो थी ही सन्यासी। गार्हस्थ धर्म सिखाते हुए वे कहा करती थी कि परिवार में सभी को एक साथ लेकर, सभी को कुछ कुछ अधिकार और स्नेह देकर सब काम करना चाहिए। हम एक उदाहरण लें, मां की जो दो भतीजियां थी नलिनी और राधु, आपस में उनकी बनती नहीं थी, पर जब राधु के ससुराल में कुछ भेंट सौगात देने का भेजने का प्रसंग आता था तब मां नलिनी हो की बुलाती थी और नलिनी भी खुश होकर उस वक्त मां को परामर्श देती थी, बोलती थी और भी कुछ भेंट सौगात भेजिए मां। इस तरह उन्होंने सभी को साथ लेकर परिवार में सब काम निपटाया। हम देखते हैं कि जब हम अपनी सुविधाओं पर ही विशेष ध्यान देते हैं, अपने ही मत को हर एक बात में परिवार में प्राधान्य देना चाहते, तभी तो सब अशांतियां आ पड़ती है। अब एक सहधर्मिणी के रूप में पत्नी को सहधर्मिणी कहा गया है, और मां एक यथार्थ सहधर्मिणी थी। शास्त्रों ने वैवाहिक जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी निर्धारित किया है, और वह है मोक्ष। हर एक पत्नी को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने को संयम में रखते हुए और पति को धर्म मार्ग पर ले जाने की चेष्टा करते हुए जीवन व्यतीत करना होता है। यही है सहधर्मिणी का धर्म। मां इधर मां जो सहधर्मिणी, उनके पति सच्चे अर्थ में परमेश्वर, वे दुखी अज्ञानी को उद्धार करने के लिए आए थे, तो वे भी तो उनके इष्ट पथ में सहायक होंगी ही। उस पवित्रता स्वरूपिणी को पाकर श्री रामकृष्ण परम निश्चिंत होकर अपने आरंभित कार्य को आगे बढ़ाने का दायित्व उन पर छोड़ गए। अपनी अनंत शक्ति को माने मातृ स्नेह का रूप दिया, वे सभी की माता बनी। और मातृत्व को ही तो भारत में नारीत्व का परम प्रकाश माना गया है। इस मां को स्वामी जी ने संघ जननी कहा है, क्योंकि रामकृष्ण संघ ने मां को अपनी पालयित्री और रक्षाकर्ती के रूप में पाया है। मैं एक नारी हूं, मैं भला कैसे आप जो काम मुझ पर न्यस्त करना चाहते हैं वो कर सकेंगी, मां ने ऐसा कहा था। तो शारदा रूपी जिस नारी ने श्री रामकृष्ण को ऐसा कहा था, उनकी बुद्धि, विचक्षणता, समस्याओं को समझने की उनकी अंतर्दृष्टि तथा समाधान करने की उनकी शक्ति को देखते हुए स्वयं स्वामी जी ने उनका हरेक शब्द आज्ञा के रूप में अपने सिर पर चढ़ाया था। मां कार्यदक्ष थी, वे निर्भीक थी, स्त्री शिक्षा के बारे में वे आग्रही थी, वोकेशनल स्किल के बारे में, जैसे कि अपनी शिष्या अटेंडेंट सरला को उन्होंने उत्साहित किया था धात्री विद्या सीखने के लिए। सभी प्रकार की शिक्षा के बारे में मां अत्यंत आग्रही थी। उच्च नीच इत्यादि के जो भेदभाव थे और तत्कालीन समाज में कुछ कुरिवाज थे,
उसकी मां विरोधी थी और कुछ कुछ क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप में भी उस रिवाजों का उन्होंने खंडन किया था। स्त्रियों के प्रति जब अत्याचार होते थे और विचार होते थे उसको देखकर मां बहुत विचलित हुई थी। याद है वह प्रसंग जब एक आदमी उन्होंने देखा अपनी पत्नी को मारता था, तब मां चिल्ला उठी, जोर से उसको डांटा। दूसरी बार जब उन्होंने देखा कि अपना एक शिष्य भक्त अपनी स्त्री के प्रति अविचार करता है, तो उसको तब बुलाकर मां ने निर्देश दिया कि भविष्य में कभी ऐसा मत करो। मां देख नहीं सकती अविचार अत्याचार को। बाल विवाह या जबरदस्ती से किसी को भी वैवाहिक बंधन में डालने की भी वे विरोधी थी। मां एक अर्थ में प्रगतिशील थी। वे क्या फेमिनिस्ट थी, नारीवादी? आजकल जो शब्द हम बार बार सुनते हैं, नारीवाद, फेमिनिस्ट मूवमेंट, जो कि मूलतः पश्चिमी देशों में शुरू हुई है वुमेन्स लिब के नाम पर, जिसके बारे में हम बाद में सुनने वाले हैं। इस जो आंदोलन शुरू हुआ है उसके कुछ समुचित कारण हैं। पुरुष शासित समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिले थे। स्त्रियों प्रति अत्याचार अविचार होता है, यह एक वास्तव परिस्थिति बनी रही है। नारीवादी आंदोलन विमेन्स लिब या तो फेमिनिस्ट मूवमेंट स्त्रियों के प्रति अब सममर्यादा आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों को समान अधिकार देना चाहिए वो कहता है। व्यक्तिगत जीवन में और नैतिक मूल्यों के बारे में भी वह आंदोलन स्त्रियों की स्वाधीन रुचि को प्राधान्य देना चाहता है। इधर भारत में तात्विक या तो दार्शनिक दृष्टि से तो स्त्री और पुरुष में कोई भेद माना नहीं गया, क्योंकि आत्मा में कोई लिंग भेद होता नहीं और ईश्वर को ही मातृ रूप में देखना हम भारतीय लोग हिंदू धर्म में हम ज्यादा पसंद करते हैं। फिर भी हम अगर प्राचीन युग को छोड़ दे तो उसके बाद वर्तमान युग तक वास्तविक परिस्थिति भारत में स्त्रियों के लिए कुछ अन्य रूप बनी है, बहुत दुख की बात है। अतः सभी समाज में स्त्रियों की स्वाधीनता और सम्मान की आवश्यकता है। स्त्रियों की कार्य दक्षता को सम्मान पूर्वक स्वीकृति देने की भी आवश्यकता है। यहां पर प्रश्न यह है कि भारतीय नारी कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। उन्हें खुद निर्णय करना है कि किस प्रकार की शिक्षा वे लेंगी, कौन से मूल्यों को वे ग्रहण करेंगी, कैसा उन लोगों का चरित्र होगा, चरित्र का निर्माण किस तरह करेंगी, कैसे वे यथार्थ आनंद को प्राप्त करेंगी, जड़वादी भोगवादी सुखवादी जीवन प्रणाली को वे अपनाएंगे क्या, वे पुरुषों के साथ प्रतियोगिता प्रतिद्वंद प्रतिस्पर्धा का रास्ता लेगी, ना वे प्रगति करने के लिए उन लोगों की परिपूरक बनेगी या पुरुषों के साथ सहयोगिता करेगी, यह एक प्रश्न है। आइए अब फिर हम अपनी मां को देखें। आधुनिक दृष्टि से स्वल्प शिक्षित मां की शिक्षा धर्म भित्तिक रही, धर्मशास्त्रों को वे अध्ययन करती रही, विज्ञान टेक्नोलॉजी चाहे हम जो कुछ भी पढ़ें, चाहे हम अपने पैरों पर खड़े रहे, पर अगर धर्म को धार्मिक शिक्षा को और धर्म ग्रंथों के अध्ययन को हमारे शिक्षण में स्थान नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपना चरित्र निर्माण करेंगे, वह शिक्षा तो पूरी नहीं होगी। प्रगतिशीलता और स्वातंत्र्य के नाम पर भी इंद्रिय परता और क्रोध कर्कशता विलास का माने कभी समर्थन नहीं किया। हमें समझना है कि नारीत्व कोई वाद नहीं, वह एक आदर्श है। हम अब कितनी अशांति से भुगते हैं, कितना दुख है जीवन में। मां ने तो कभी किसी अशांति को नहीं देखा, उनके मन में शांति आनंद था, क्योंकि वह जानती थी कि
शांति का उत्स बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही है। अशांति का मूल है हमारा असंतोष, हमारी असंख्य इच्छाएं। तब उन्होंने कहा, याद रखना है कि अशांति जैसे असंतोष से प्राप्त होती है, तो संतोष ही सबसे अधिक मूल्यवान धन है। मां ने कहा, स्त्रियों के प्रति कार्य दक्ष रहो, कार्य करती रहो। स्त्रियां कार्य तो आजकल हर वक्त करती है, पर उन्होंने कहा कि ईश्वर को केंद्र में रखते हुए सब कार्य करने चाहिए। चंचलता, रजोगुण या तो अपने के जाहिर करने की इच्छा उसमें नहीं होनी चाहिए। मैंने सांचा तैयार कर दिया है, तुम अपना जीवन उसमें डालकर अपने को तैयार कर दो, श्री रामकृष्ण देव शिष्यों को कहा करते हैं। मां ने भी तो कहा कि मेरे जीवन को आदर्श स्वरूप बनाने के लिए मैंने आवश्यकता से भी अधिक किया है, अधिक, क्योंकि मां जानती है कि उन्हें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।